तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या क्लास 12th है ना। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि क्लास 12th के मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। ठीक, तो देखते हैं पहले सिलेबस इसका। बीएससी बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड का दोनों का सिलेबस सेम है। क्या देखते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स फोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए इसमें कितने यूनिट है, क्या क्या पढ़ना है इसका देखते हैं डेटा। इसमें टोटल आपको पढ़ना है 6 यूनिट पढ़ना है, 6 यूनिट्स। देखते हैं यूनिट फर्स्ट, इसमें पढ़ना आपको है रिलेशंस, ठीक है। इस यूनिट फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे दो चीज। पहला है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। सेकेंड है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखते हैं यूनिट सेकेंड, इसमें पढ़ना आपको है अलजेब्रा, फर्स्ट है मैट्रिसेस, सेकेंड डिटरमिनेंट्स। यूनिट थर्ड ये आपका है कैलकुलस, सबसे लंबा यूनिट कोई है वो है आपका कैलकुलस। देखिए इसके थ्रू पढ़ना आपको पांच, पहला आपका है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सेकेंड है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, थर्ड है इंटीग्रल्स, फोर्थ है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, फिफ्थ है डिफरेंशियल
इक्वेशंस। यूनिट थर्ड जो है आपका सबसे लंबा चैप्टर है, इसमें आपको पांच पांच प्रॉब्लम। आइए इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग अब क्या होगा। यूनिट फोर, इसलिए आपको पढ़ना है वेक्टर्स एंड थ्री डी ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसलिए आपको दो पढ़ना है, पहला पढ़ना है वेक्टर्स और सेकंड पढ़ना है यही 3D ज्योमेट्री, ठीक है। लास्ट बिफोर यूनिट 5, ये आपका है लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें एक ही पढ़ना है यही लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। एंड लास्ट यूनिट यूनिट 6, ये आपका प्रोबेबिलिटी है, इसमें मात्र बस यही पढ़ना है इतना ही आपको क्लास 12th का ये सब यूनिट और एक्सरसाइज पढ़ना है। अब इसमें देखो कौन कितना क्या वेटेज देता है, किसे कितना स्कोरिंग पूछता है, उसे देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शन है, ये आपका 10 मार्क्स का है ना। यूनिट सेकेंड अलजेब्रा, ये आपका 13 मार्क्स का है। यूनिट थर्ड कैलकुलस, वो यूनिट है सबसे ज्यादा यही पूछता है, 44 मार्क्स का। जबकि हम लोग क्लास 11th में पढ़े कैलकुलस, उसमें सिर्फ हम लोग सीमित थे कहां थे, लिमिट्स और डेरिवेटिव्स, बस यही तो पढ़े थे। यहां उसी चीज को जो है लिमिट जो है उसी को एक्सटेंड करके हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन जो है वही क्या पढ़ो, डिफरेंशिएबिलिटी है ना। उसके अतिरिक्त और भी दिया हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब डिफरेंशिएशन का क्या एप्लीकेशन है, उसका क्या यूज है वो देखेंगे। थर्ड है इंटीग्रल्स, मतलब वो आपका इंटीग्रेशन, 11th में पढ़े होंगे फिजिक्स का वो सब पढ़ाए होंगे। फोर्थ है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, मतलब उस इंटीग्रेशन का क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है वो देखेंगे। पांचवा क्या है डिफरेंशियल इक्वेशंस, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ये है, पढ़ने बहुत मजा आएगा, हालांकि पढ़ने का ही मजा आपको आएगा ही, और इसी में हम लोग को अधिक टाइम लगेगा तो पढ़ने में। इसके बाद है यूनिट 4 वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि आपको पढ़ना है सिमेट्रिक मास, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग ये आपको पढ़ना है 6 मार्क्स का। एंड लास्ट यूनिट 6 प्रोबेबिलिटी, ये आपको पढ़ना है 10 मार्क्स का। देखो इन सब को ऐड करके 100 उठता है क्या, देखिए ऐड कैसे करें हम लोग, यहां कितना है 44 और यहां कितना है 6, कितना हो गया 50, क्लियर। चलो 10 60 10 70, बचा कितना 30 70 70 plus 30 plus 2 100 marks। यही आपका सिलेबस का यही रूपरेखा है। तो एट फर्स्ट हम लोग
स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड, यूनिट सेकेंड वो आपका क्या है एलजेब्रा। तो पहले हम लोग यूनिट सेकेंड को ही सीखेंगे, ठीक है, एलजेब्रा को। और इसके पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो पहले हम पढ़ेंगे क्या मैट्रिसेस, ठीक है। आज हम इतना ही देखेंगे, फिर कल हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, यूनिट सेकेंड एलजेब्रा।